डी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को दीपावली से पहले फसल क्षति की राशि उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार है कृत संकल्पित। बिहार में बाढ़ से 34 जिले का कृषि क्षेत्र हुआ है प्रभावित। राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने का फैसला। 21 लाख पशुओं का होगा निःशुल्क बीमा। दुर्घटना में मृत पशुओं के लिए भी मिलेगा मुआवजा। पशुपालन को लाभकारी बनाने के लिए सरकार कर रही है प्रयास। गोवर्धन पूजा के साथ समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी का उत्सव मनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार है सजग। कृषक उपज मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे की व्यवस्था। कृषि आदान एवं उत्पाद में जल संसाधन विभाग की भूमिका पर हुई चर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन पौधारोपण संकल्प के क्रम में भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में रोपा पौधा। कहा, पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधारोपण है अत्यंत आवश्यक। लोगों से की पौधा लगाने की अपील। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को दीपावली से पहले फसल क्षति की राशि उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की जो फसल क्षति हुई है उसकी राशि दीपावली के पहले अवश्य उपलब्ध करा दें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी कि फसल क्षति की राशि पाने से कोई किसान नहीं छूटना चाहिए। बाढ़ के दौरान जिन किसानों की फसल को क्षति हुई है सभी को राशि अवश्य मिल जाए। कृषि विभाग इसके लिए तेजी से काम करे। समीक्षा के दौरान कृषि विभाग के विशेष सचिव वीरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि प्रथम चरण में आई बाढ़ से 16 जिलों का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है जिससे किसानों की फसल की क्षति हुई है। दूसरे चरण में आई बाढ़ के कारण 18 जिलों का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है। प्रथम चरण के लिए फसल क्षति के रूप में 229 करोड़ तथा द्वितीय चरण के लिए 261 करोड़ रुपए का आंकलन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए फसल क्षति की 229 करोड़ रुपए की राशि विभाग को प्राप्त हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्वितीय चरण में आई बाढ़ से प्रभावित 3.21 लाख परिवारों को डीबीटी के द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में 7,000 रुपये प्रति परिवार की दर से कुल 225.25 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की। मुख्यमंत्री द्वारा प्रथम चरण में 4,38,529 परिवारों के खाते में 306.97 करोड़ रुपये अंतरित किए गए। राजस्थान सरकार राज्य में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में अपने बजट में घोषणा की थी। पशुपालन गौपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने पशुपालन मंगला बीमा पशु योजना की गाइडलाइन के संबंध में पशुपालन और राज्य बीमा भविष्य निधि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। पशुपालन मंत्री ने कहा कि अभी दुर्घटना में मृत पशुओं के लिए पशुपालकों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। मंगला पशु बीमा योजना ऐसे पशुपालकों के लिए आर्थिक संबल बनेगी। उन्होंने कहा कि बीमा का लाभ सभी पशुपालकों को मिले इसके लिए सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक बीमा में आवेदन करने के पात्र होंगे। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट घोषणा में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की थी।
इस योजना में सरकार ने 400 करोड़ रुपए खर्च करके 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है। योजना के अंतर्गत 5-5 लाख दुधारू गाय, भैंस, बकरी तथा भेड़ और 1 लाख ऊंटनी का बीमा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से एक पशु का बीमा किया जाएगा। इसमें पशुपालकों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी का उत्सव गोवर्धन पूजा के साथ पूरे प्रदेश में मनाए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार पूर्ण सजग है। किसान हित निरंतर लिए जाएंगे, साथ ही किसानों के साथ नियमित संवाद भी होता रहेगा। बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन के अंतर्गत प्रदेश में 4,536 पैक्स में कार्यवाही की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव अधिकारियों के साथ भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों की बैठक में भूमि अधिग्रहण, बंटवारा, नामकरण, इंदिराज दुरुस्ती, क्षेत्रीय स्तर पर फसल कटाई प्रयोग, सीमांकन कार्य के लिए मशीनों की संख्या में वृद्धि, 100 रुपये के स्टाम्प पर रजिस्ट्रार द्वारा हक त्याग मान्य किए जाने और RI एवं पटवारी के दायित्वों के स्वरूप सहकारी संस्थाओं की भूमिका, खाद की व्यवस्था, अमानक दुग्ध के विक्रय पर नियंत्रण, तौल कांटों की व्यवस्था, महिला हम्मालों के लिए पृथक श्रेणी बनाने और प्रदेश की बड़ी कृषक उपज मंडियों में बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे की व्यवस्था, प्रदेश में कृषि उत्पाद में जल संसाधन विभाग की भूमिका एवं सहयोग के संबंध में भी चर्चा हुई। और देश में फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर अनाज उपलब्ध कराने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न फसलों की नई नई किस्में विकसित किए जा रही हैं। इनमें कई किस्में तो ऐसी हैं जिनके रंग सामान्य उपलब्ध हैं। इसमें काला गेहूं भी शामिल है। काला गेहूं न केवल साधारण गेहूं से अलग दिखता है, बल्कि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी साधारण गेहूं से ज्यादा है। किसानों को काले गेहूं की उपज के भाव भी साधारण गेहूं मिल जाते हैं, जिससे काले गेहूं की खेती करना किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। वैसे तो काला गेहूं की खेती भी साधारण गेहूं की तरह ही हो सकती है, परंतु किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर कम लागत में अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि साधारण गेहूं और काले गेहूं में अंतर क्या है। काले गेहूं दिखने में काले तथा बैंगनी होते हैं, पर इसके गुण साधारण गेहूं से ज्यादा होते हैं। एंथोसायनिन पिगमेंट की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये गेहूं काले होते हैं और साधारण गेहूं की अगर बात की जाए तो साधारण गेहूं में एंथोसायनिन की मात्रा 5 से 15 ppm होती है, जबकि काले गेहूं में इसकी मात्रा 40 से 140 ppm होती है। एंथोसायनिन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट व एंटीबायोटिक है जो हार्ट अटैक, कैंसर, शुगर, मानसिक तनाव, घुटनों का दर्द, एनीमिया जैसे रोगों में काफ़ी कारगर साबित होता है। काले गेहूं रंग व स्वाद में सामान्य गेहूं से थोड़े अलग होते हैं। और आइए अब जानते हैं कि किसान कब करें काले गेहूं की बुआई। काले गेहूं की बुआई समय से एवं पर्याप्त नमी पर करनी चाहिए। देर से बुआई करने पर उपज में कमी आ जाती है। जैसे जैसे बुआई में विलंब होता जाता है, गेहूं की पैदावार में गिरावट की दर बढ़ती ही चली जाती है। दिसंबर में बुआई करने पर गेहूं की पैदावार 3 से 4 क्विंटल हेक्टेयर एवं जनवरी में बुआई करने से 4 से 5 क्विंटल हेक्टेयर प्रति सप्ताह की दर से घटती है। गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से करने पर उर्वरक एवं बीज की बचत की जा सकती है। इसकी उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति बीघा होती है। सामान्य गेहूं की भी औसत उपज 1 बीघा में 10 से 12 क्विंटल होती है।
और आइए अब जानते हैं कि काले गेहूं में खाद उर्वरक एवं सिंचाई की मात्रा कितनी होनी चाहिए। खेत की तैयारी के समय जिंक व यूरिया खेत में डालें तथा डीएपी खाद ड्रिल से दें। बोते समय 50 किलो डीएपी, 45 किलोग्राम यूरिया, 20 किलो म्यूरेट पोटाश तथा 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ दें। पहली सिंचाई के समय 60 किलो यूरिया दें। पहली सिंचाई 3 हफ्ते के बाद करें। इसके बाद कल्ले निकलते समय, गांठे बनते समय, बालियां निकलने से पहले, दूधिया दशा में और दाना पकते समय इसकी सिंचाई जरूर करें। और केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान GSITI में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी पहल घरों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सशक्त बना रही है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधारोपण के संकल्प के क्रम में आज भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में पौधा रोपा। उन्होंने कहा पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधारोपण अत्यंत आवश्यक है, आप भी विभिन्न अवसरों पर पौधा अवश्य लगाएं। आगे बढ़ते हैं। 13 अक्टूबर को दुनिया आपदा जोखिम को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। इस वर्ष का विषय एक रेजिलिएंट फ्यूचर के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। आपदा के समय में वैश्विक सहयोग और स्थानीय रणनीतियां जोखिमों को कम करने और सभी के लिए एक सुरक्षित टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता तपस भट्टाचार्य की ये विशेष रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म होती पृथ्वी पर जीवन के लिए कई संकट पैदा हो रहे हैं। आपदा जोखिम को कम करने के लिए 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के देशों को अपनी कमजोरियों का आकलन करने और रेजिलिएंट स्ट्रेटेजी बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष एक सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपदाएं अक्सर भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाती हैं, जिसके लिए वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिमों को कम करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करता है। भारत ने गुजरात के चक्रवात से लेकर केरल की बाढ़ तक कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया। हालांकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति की वजह से देश ने उनके प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया। COP26 में भारत द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स का शुभारंभ कमजोर क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूती से दर्शाता है। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेव्स लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स एंड इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड कम्युनिकेशंस। CDRI इज अ कोलिशन ऑफ 40 कंट्रीज एंड 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस that have come together to advance the resilience of new and existing infrastructure. The coalition focuses on building capacity with knowledge sharing, building evidence with technical studies and resilience programs, and undertaking global advocacy for promoting disaster resilient infrastructure. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 10 सूत्री एजेंडा पेश किया, जिसमें सामुदायिक तैयारी, तकनीकी नवाचार और वैश्विक सहयोग की वकालत की गई है। जैसे जैसे हम विकास की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सभी के लिए एक रेजिलिएंट फ्यूचर के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना आवश्यक है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में आज ही के दिन पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था। इसका मकसद देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सड़क, रेल, जल और वायु मार्गों का निर्माण कर लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना, वस्तुओं, सेवाओं और यात्रियों की निर्बाध आवाजाही के अंतराल को कम करना है। इसके तहत 16 मंत्रालयों को एक पोर्टल के माध्यम से एक ही मंच पर लाया गया, ताकि सभी अवरोधों को दूर करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाई जा सके। 13 अक्टूबर 2021, प्रधानमंत्री ने पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया।
यह कनेक्टिविटी परियोजना की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है। इसके जरिए न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित हुआ, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट के पूरा होने का प्रयास हो रहा है। तेज रफ्तार से बढ़ते देश में रोड नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। अब हाईवे नहीं बल्कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धुलेरा, बेंगलोर चेन्नई, दिल्ली अमृतसर कटरा, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारी सरल हुई है, जिसे व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के दौरान महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध हुआ है। सभी मंत्रालय और विभागों को अब GIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस सेक्टोरल परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग आसान हुई है। PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेलवे ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 50,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक का सर्वेक्षण किया है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना और लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए अंतराल को कम करना है। अप्रैल 2024 तक भारतीय रेल में कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, जिनकी लागत लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए है, योजना अनुमोदन या निर्माण चरण में है, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। वहीं जलमार्ग की दिशा में जलमार्ग मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में MOPSW ने कैरेक्टर हैंडलिंग को प्रभावशाली 40 मिलियन TEUs तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है, जिससे देश भर में रोजगार के 20 लाख अवसर पैदा होंगे। नए हवाई अड्डों के निर्माण ने एयर कनेक्टिविटी को विस्तार दिया है। देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है। गतिशक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में भारत के लोग, भारत का उद्योग, भारत का व्यापार जगत, भारत के विनिर्माता, भारत के किसान है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश के विकास के रफ्तार के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। चंद्रशेखर, DD न्यूज। गति शक्ति योजना के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है। इसने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ाया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में तेज और अधिक कुशल विकास को बढ़ावा मिला है। विभिन्न हितधारकों के निर्बाध एकीकरण से लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिला है, देरी कम हुई है और कई लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पोस्ट में कहा कि धन्यवाद गति शक्ति, आपकी बदौलत भारत विकसित भारत के अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे प्रगति, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम महाराष्ट्र के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में कोंकण के किसान इस समय तैयार मूंगफली की खुदाई जारी रखें। इसके अलावा यहां सुबह के समय अगेती धान के किस्मों की कटाई करें और कटाई के बाद फसलों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। कोंकण में ही धान की मध्यम अवधि और पछेती किस्मों में इस समय 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं इस समय रब्बी सब्जियों के लिए नर्सरी की तैयारी और बुआई का कार्य करें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में तैयार सोयाबीन, मक्का और बाजरे की कटाई करें। इसके अलावा यहां प्याज की खुदाई और कपास की चुनाई करते रहें। यहीं इस समय धान के खेतों में 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही मौसम और मिट्टी में नमी को ध्यान में रखते हुए रब्बी कुसुम, ज्वार और वर्षा आधारित काबुली चने की बुवाई करें। इसके अलावा यहाँ ये समय प्याज की नर्सरी लगाने के लिए भी उपयुक्त है। मराठवाड़ा के किसान इस समय तैयार सोयाबीन और ज्वार के अलावा बाजरे की कटाई और मढ़ाई जारी रखें। इसके साथ ही
कटी और मढ़ाई की गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। मराठवाड़ा में ही इस समय कुसुम और वर्षा आधारित काबुली चने की बुवाई और प्याज की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। विदर्भ की बात करें तो पश्चिमी विदर्भ में इस समय खरीफ सोयाबीन, मक्का और ज्वार की कटाई जारी रखें। वहीं पूर्वी विदर्भ में सोयाबीन और धान की कटाई करते रहें। विदर्भ में ही इस समय रब्बी ज्वार, वर्षा आधारित रब्बी कुसुम, अलसी और काबुली चने की बुवाई करें। इसके साथ ही यहाँ ये समय टमाटर, बैंगन, मिर्च, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाने के लिए भी उपयुक्त है। इसके अलावा यहाँ इस समय किसान पालक, मेथी, मूली और गाजर की बुवाई भी कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत कर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुआई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। विकल्प के रूप में ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया, मारितानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा है। यात्रा के प्रथम चरण में वे अल्जीरिया का दौरा कर रही हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर सियासी पारा बढ़ने लगा है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। उपचुनाव के मद्देनजर आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जशांत सिद्दीकी के जनसंपर्क कार्यालय के पास बांद्रा ईस्ट में हमलावरों ने गोली मारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है जो उत्तर प्रदेश का रहने। बाबा सिद्दीकी की हत्या से राजनीतिक हलकों के साथ ही बॉलीवुड भी शोक में है। इस बीच बाबा सिद्दीकी के करीबी रहे अभिनेता सलमान खान के बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने कहा अपराधियों के खिलाफ पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले पर अधिवक्ता उज्जवल निकम का कहना है कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुंबई में कई सालों से किसी भी राजनीतिक नेता की हत्या नहीं हुई थी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 2 माह पहले महिला डॉक्टर के दुष्कर्म एवं उसकी हत्या की घटना को लेकर आमरण अनशन कर रहे एक और जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उत्तराखंड के रुड़की के पास डंडेरा रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि मालगाड़ी को पटरी से उतारने की साजिश के तहत इस सिलेंडर को ट्रैक पर रखा गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा का आयोजन 13 से 17 अक्टूबर तक जिनेवा में किया जाएगा, जिसमें ओम बिरला भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। ओम बिरला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी साझा की। हुबली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भाजपा नेता साल 2022 में हुए एक दंगे और हिंसा के मामले में प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल शुक्रवार को कर्नाटक सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ मामले को वापस लेने का निर्णय किया था। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही, अनुमति दें, नमस्कार।